देवास के इस्लामिया गर्ल्स स्कूल एवं संजीवनी हॉस्पिटल में ऑनलाइन पंजीयन के बाद वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे लोगों को घंटों इंतजार करने के बाद भी वैक्सीन नहीं मिल पाई। वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन खत्म होने से लोगों को निराश ही लौटना पड़ा। सरकार एक और लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चला रही है। पीले चावल देकर लोगों को सेंटर तक बुलाया जा रहा है, वहीं दूसरे और अधिकारियों की लापरवाही के चलते लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। वैक्सीन लगवाने आए लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने आई महिलाओं का कहना है कि हम सुबह 12 बजे से खड़े हैं, अभी 4 बज रही है, हमारा नंबर नहीं आया है, हम काफी परेशान हो रहे हैं, यहाँ पर कोई जवाबदार अधिकारी हमारी सुध भी नहीं ले रहा है। परेशान लोगों ने बताया कि घंटों लाइन में खड़े होने के बाद भी वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारियों को ऐसी योजनाएं बनाना चाहिए ताकि जिससे आम लोगों को परेशानी ना हो। 150 पहले इन्होंने बांटे थे, उसके बाद 50 बांट रहे हैं। अच्छा। 50 बांटने के बाद सर बीच में 135 नंबर के भी आ गए, 140 नंबर के भी आ गए, और बाद में एक लेडीज पीछे से जाती है, बोले कि मैं एक नंबर की हूँ, और वो बोलती है अंदर से नर्स की है, बोले मेरी बुआ है, मामी है, तो, मामी है बोले सर। तो पहले नंबर का टोकन अभी 4 बजे वाला वैक्सीन लगवाते थे, 4 बजे क्यों लगाने आए सर पहले नंबर का? नंबर 165 नंबर वाले अभी यहाँ खड़े ही हैं लोग। कुछ सर अधिकारी देख के चले गए पीछे वाले गेट से। क्या बोला उन्होंने? कुछ भी नहीं बोला सर, वो तो आए बैठे देखे और चले गए, कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। सारी जंग व्यवस्थाएं हैं, हम एक घंटे से खड़े हैं यहाँ, ना तो वैक्सीन है ना लोग हैं कि सही साइड हमें गाइडलाइन दे और वैक्सीन लगाएं, हम बहुत देर से परेशान हो रहे हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कितने लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, आसपास भी लोग खड़े हुए हैं, और पूरे अस्त व्यवस्था है यहाँ पर, कोई वैक्सीन लगाने वाला नहीं है, नागरिक यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। सरकार को ऐसी व्यवस्थाएँ लाना चाहिए जिससे वैक्सीन लगाई जाए और लोगों को फ़ायदा पहुँचे। वैक्सीन ख़त्म हो गई, बोल रहे हैं, घंटे से खड़े हैं, बोल रहे हैं वैक्सीन आएगी आएगी आएगी, लेकिन अभी तक क्या आई नहीं। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के आदेश अनुसार संपूर्ण जिले में वैक्सीनेशन का महाअभियान प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत हमारे मध्य प्रदेश के देवास जिले में अर्बन PHC बावड़िया, जो कि शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बावड़िया के अंतर्गत जानी जाती है, यहाँ पर 18+ और 45+ के अंतर्गत फर्स्ट और सेकेंड डोज दोनों प्रारंभ हुए हैं, और बड़ी उत्साह के साथ दोनों वर्ग अपने अपने वैक्सीनेशन कराने के लिए सुबह 7 बजे से हमारे यहाँ वैक्सीनेशन कराने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, और सभी बड़े उत्साह के साथ आज हमारे वैक्सीनेशन केंद्र पर उद्बोधन के साथ अनुसार माननीय हमारे मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर सोनगरा साहब और पार्षदगण अन्नू के द्वारा बहुत अच्छा सरस्वती माँ के माल्यार्पण करते हुए सभी को वैक्सीनेशन का संदेश दिया गया, और वैक्सीनेशन के लिए उनको सभी को आगे भी मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया। आज का वैक्सीनेशन का हमारा 18 से 44 साल के वर्ग के अनुसार 150 का लक्ष्य दिया गया, और 45 साल से ऊपर वालों के लिए 50 वैक्सीनेशन का दिया गया। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश कुमार की ये रिपोर्ट।